मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रिया एंड विकास। अपू अपू के 2.5 साल है ना, ये पढ़ रहे थे ना अपू के साथ 2.5 साल, पेज नंबर 34 पे थे हम, वहीं से स्टार्ट कराना है ना बेटा, पेज नंबर 34 पे। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वंस अगेन पेज नंबर 34 निकाल लो, आपको के साथ 2.5 साल, पाठ का नाम है अपू के साथ 2.5 साल, लेखक हैं सत्यजीत राय, सत्यजीत राय लेखक हैं, पेज नंबर है 34, आरोह बुक का है 34 पेज नंबर। और हम पढ़ रहे थे कि लेखक जो है सत्यजीत राय, वो एक फिल्म डायरेक्टर है, तो उन्होंने जब अपनी पहली फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला में जो बनी थी वो जब बनाई, तो उस शूटिंग के दौरान उन्होंने जो कुछ अनुभव किया वही संस्मरण यहाँ पाठ के रूप में आपके सामने। तो उसमें वो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने फिल्म की शूटिंग जो है, नौकरी करते थे, नौकरी के बाद जो टाइम बचता था उसमें फिर वो शूटिंग करते थे, और 2.5 साल तक ये शूटिंग चली, और किस तरीके से पैसे जोड़ते थे, पहले पैसे इनके पास होते नहीं थे, तो जब ये पैसे इकट्ठे करते और इतने पैसे हो जाते हैं कि शूटिंग कर सकते हैं, फिर ये शूटिंग करना स्टार्ट कर देते। तो सबसे पहले इन्होंने किराए पे कमरा लिया, वहाँ ऑडिशन वगैरह लिए इन्होंने, इनको बच्चे चाहिए थे, 6 साल का एक लड़का चाहिए था ऑडिशन के लिए, तो लड़का इन्हें मिल नहीं रहा था मनपसंद। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद पड़ोस में ही रहने वाले एक बच्चे को वो उसके लिए साइन कर लेते हैं अपनी फिल्म के लिए, है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि लेखक को वो लड़का पसंद आ गया, और फिर उसके भाई बहन की कहानी थी, छोटे छोटे भाई बहन है अपू और उसकी बहन दुर्गा, तो ये दोनों करेक्टर मिल गए। और लेखक को ये था कि फिल्म ज्यादा लंबी ना खींचे, क्योंकि अगर लंबी खींची शूटिंग में ज्यादा टाइम लगा तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो फिर वो कहानी में वो मजा नहीं आएगा, ना सीन देखने में मजा आएगा। और एक और करेक्टर था उनकी फिल्म में चुन्नी वाला देवी का, जो कि एक 80 साल की वृद्धा निभा रही थी, तो उन्होंने उनको ये भी डर था कि ज्यादा फिल्म में टाइम लगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इनका स्वर्गवास हो जाए, या ये कहीं चली गई, टपक गई, मतलब गुजर गई, तो फिर हमारी शूटिंग धरी रह जाएगी। तो ये भी बड़े सौभाग्य की बात थी कि वो भी जिंदा रही पूरी शूटिंग के दौरान, और इसके अलावा वो दोनों बच्चे भी जो थे, और अमूमन दूसरे जो बच्चे होते उन्होंने लंबाई हाइट वगैरह नहीं पकड़ी, उसी तरीके से उनका रियल डॉल बना था, तो ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। यहाँ तक पढ़ चुके थे ना, अब हम चलते हैं आगे। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसीट नाम के गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं, ये इनके फिल्म का सीन था। ये फूलों से लदा हुआ खूब बगीचा मैदान है, और मैदान के पीछे से एक रेलगाड़ी गुजरेगी, और ये बच्चे जो है फर्स्ट टाइम जो है वो रेलगाड़ी को देखते हैं, और उनको एक्शन उस पर रिएक्शन करना था। तो ये सीन जो शूटिंग जो करनी थी उसका ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं लेखक कि इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था, कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगद्वात्री पूजा का त्योहार था, यानी इनको 2 दिन लग सकते थे, क्योंकि पहले दिन इनको त्योहार का सीन दर्शाना था। तो जगद्वात्री पूजा का त्योहार था, दुर्गा के पीछे दौड़ते हुए अप्पू, दुर्गा भाग रही है, उसके पीछे पीछे उसका भाई अप्पू भाग रहा है, और वो दौड़ते हुए काश फूलों के वन में पहुंचता है, उस जगह पहुंचता है जहाँ फूल ही फूल है, काश फूल सफेद रंग के फूल थे। सुबह शूटिंग करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित, यानी सुबह शूटिंग शुरू की तो शाम तक इन्होंने आधा भाग जो था वो दर्शा दिया। निर्देशक, छायाकार, छोटे बड़े अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए ही थे।
अच्छा लेखक ये कह रहे हैं कि उस फिल्म का जो निर्देशक था, छायाकार, कैमरामैन जो था और जो अभिनेता अभिनेत्री थे और खुद डायरेक्टर खुद सत्यजीत राय जो थे, ये लोग पहली बार फिल्म बना रहे थे, फिल्म में काम कर रहे थे, सबका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो सारे लोग थोड़े बोराए हुए थे। बोराए हुए थे मतलब पगलाए हुए थे, हड़बड़ाए हुए थे कि कैसे होगा कैसे होगा। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे, तो इनका बाकी के जो सीन है चलो अब बाद में हम इसको फिल्माएंगे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो हम वह जगह पहचान ही नहीं पाए। अच्छा 7 दिन के बाद जब दोबारा वो लोग उस जगह पे गए जो काश फूलों से घिरा मैदान था, तो वहां उस जगह को वो पहचान ही नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? लगा ये कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे काश फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले। जानवर जो थे वो सारे चर गए थे, वो जितने फूल के बगीचे वो थे मैदान, पूरा मैदान साफ कर दिया उन्होंने जानवरों ने। अब अगर हम उस जगह आधे बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? अब अगर दोबारा शूटिंग करते तो वो मेल नहीं बैठता कि आधे सीन में तो फूल है और आधे सीन में मैदान खाली। उसमें से कंटिन्यूटी निर्धारित हो जाती है, मतलब जो एकदम एक के बाद एक जो कंटिन्यूटी थी वो खत्म हो जाती। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया तब। उसका और दूसरा उपाय उनको क्या लगा कि दोबारा दूसरे सीजन में अगले साल जब दोबारा फूल खिले तब उस समय आकर उन्होंने वो शूटिंग वहां पर की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए और उसी समय उन्होंने रेलगाड़ी के जो शॉट लेने थे वो लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला, एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा रेलगाड़ी के सीन रेलगाड़ियां अलग अलग जो थी उन पे सीन फिल्माए, जैसे एक बार पहले कोई रेलगाड़ी गुजर गई उस पर फिल्मा लिया, बाकी का दूसरी जो आई उस पर फिल्मा लिया, इस तरह करके उन्होंने 3 रेलगाड़ियों पर सीन फिल्माए। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। अच्छा कौन सी ट्रेन कब आएगी ये सब उन्होंने पहले ही टाइम टेबल रेलगाड़ी रेलवे वालों से टाइम टेबल लेके पहले ही देख लिया था कि कौन सी गाड़ी कितने बजे आती है, उस हिसाब से वो अपना कैमरा तैयार करके बैठते कि अब इतने बजे आने वाली है तो फिर वो आगे का शॉट सीन आप फिल्मा लेते। अच्छा तो ये था कि सारी रेलगाड़ियां उसी पटरी पे से जानी थी और उसी दिशा में जानी थी, ऐसा नहीं कि कोई इधर जा रही है कोई इधर, सबको इधर से ही जाना था। उस समय हमारी टीम के अनिल बाबू थे, इनकी टीम में एक अनिल बाबू नाम के व्यक्ति थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। अच्छा लेखक जो थे उनके जो फिल्म टीम के एक और मेंबर थे अनिल बाबू, वो जैसे ही गाड़ी स्टेशन से छूटती तो वो इंजन में ड्राइवर के पास जाके बैठ जाते। और क्यों बैठ जाते? कि उनको पता था कि कहाँ शूटिंग हो रही है और जैसे वो मैदान शूटिंग का आएगा वैसे ही वो ड्राइवर से कहते कि अब तुम कोयला डालो। उस समय कोयले से चलने वाली गाड़ियां थी, है ना, भाप से चलने वाली, तो काला जब वो कोयला डालेंगे तभी काला धुआं निकलता दिखाना था, ये सीन फिल्माना था उनको कि काला धुआं निकलता हुआ चाहिए गाड़ियों से। क्यों? क्योंकि सफेद सफेद काश फूल और उनके बैकग्राउंड में पीछे से गाड़ी गुजर रही है और गाड़ी पे से काला धुआं निकल रहा है, ये सीन फिल्माना था, तो इसलिए उन्होंने उनको बैठा दिया। तो ये इस तरीके से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरीके से उन्होंने ये सीन फिल्माया। 1 साल तो लग गया फूलों के चक्कर में और रेलगाड़ियां अलग अलग बदलनी पड़ी और फिर किस तरीके से उन्होंने इंतजाम किया कि सही सीन आए। पथेर पांचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान ही नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित ना कर पाए। लेखक कह रहे हैं कि अच्छा जब फिल्म बन गई पूरी तो किसी को पता ही नहीं चला फिल्म देखने वाले को कि ये एक ही ट्रेन नहीं है, उसमें फिल्म में लगता है एक ही ट्रेन जा रही है जबकि वो अलग अलग 3 ट्रेनें थी जिनके उन्होंने शॉट लिए थे। तो वो कह रहे हैं कि दर्शक पहचान ही नहीं पाए कि इनमें अलग अलग ट्रेनों का
इस्तेमाल हुआ है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं अगर आज के समय में होता तो डीजल और जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां हैं, इंजन है आजकल, तो वो जो सीन हमें धुआं उड़ाती हुई रेलगाड़ी जो जा रही है वो हम नहीं दिखा पाते। फिर आगे कह रहे हैं आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा, पैसों की तंगी रहती थी, पैसों की कमी के कारण भी लेखक कह रहे हैं कि मुझे अलग अलग अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण वो दे रहे हैं एग्जाम्पल क्या प्रॉब्लम आई उनको। पेज नंबर 36 पे आ जाओ, पेज नंबर 36। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलू नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है, यानी जो कहानी जहां से इन्होंने ली मूल उपन्यास में जो मेन कैरेक्टर है अपू और दुर्गा, उनके साथ उनका एक पालतू कुत्ता भी है जिसका नाम है भूलो। तो अब वो भी उनको फिल्माना था कुत्ते के साथ भी सीन, तो गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा, यानी एक कुत्ता उनको मिल गया और जो उनसे ठीक से उनकी बात भी मानने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है कि माँ की अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है, भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठा अप्पू का भात खाना देख रहा है, भात यानी चावल। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है, वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। यानी सीन ये था कि अप्पू की माँ जो है सर्वजया नाम है उनका, तो वो उसको खाना भात खिला रही है, चावल खिला रही है, और अप्पू जो है उसका ध्यान खेलने में, धनुष बाण बना के खेलने में लगा हुआ है वो। तो ये सीन था, और कुत्ता जो है वो दरवाजे के सामने बैठा अप्पू को कैसे खा रहा है वो ये देख रहा था ललचाई निगाह से। तो अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। अब खाते खाते ही वो बाण चलाएगा, तीर छोड़ेगा, और जैसे ही तीर दूर जाएगा उसको उठाकर लेने के लिए जाता है। सर्वजया यानी उसकी माँ जो है पीछे पीछे बाएं हाथ में थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर, कौर लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ती है बच्चे के, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। ऐसा कुत्ता भी खड़ा हो जाता है और माँ के हाथ में जो थाली है चावलों की उसकी ओर कुत्ते का ध्यान है कि वो जाता है मैं खा लूं। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खा लेता है। उसके बाद ये सीन दिखाना था कि बच्चा नहीं खाता तो माँ जो है वो सारा चावल एक गमले में डाल देगी, फिर कुत्ता आएगा और वो सारे गमले में से चावल खा जाएगा। लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हो गए। लेकिन बस वो ये सीन नहीं निभा पाए, क्यों? क्योंकि शाम हो गई थी और सूरज की रोशनी में जितनी वो ले सकते थे, शूटिंग कर सकते थे कर लिया, उसके बाद नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले इतना लाइट वगैरह नहीं होती थी। आजकल तो सब लाइट का इंतजाम करते हैं आर्टिफिशियल, लेकिन पहले सूरज की रोशनी में ही फिल्माई जाती थी फिल्में, तो इसलिए वो दिन दिन में ही शूटिंग होती थी। और फिर लेखक के पास पैसे भी नहीं थे कि कहीं से मान लो लाइट हो भी तो मंगवा ले कहीं से, तो पैसे भी नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने नहीं मंगवाया। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठे होने पर हम फिर से बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है, अब क्या हो। अच्छा, 6 महीने बाद जब आगे का सीन फिल्माने फिर से उसी गांव पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने कहा चलो बाकी सीन फिल्माने, तो पता चला कि वो कुत्ता तो मर गया। अब क्या करें भाई, कुत्ता ही नहीं रहा तो कैसे फिल्माएं, वही कुत्ता वैसे ही चाहिए कुत्ता दोबारा। अब उनको खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक कुत्ता गांव में है, अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। उन्हें पता चला उसकी जैसे ही बिल्कुल दिखने वाला एक और कुत्ता है, तो उसको पकड़ के लाया गया। सचमुच वह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था, वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम के छोर जैसा ही सफेद था, यानी वो बिल्कुल हूबहू मिलता भी था, भूरे रंग तो था ही। जैसे भूलो कुत्ते के जो नाखून के आसपास जो पंजों में वाइट वाइट जो रंग था वो भी था, उसमें दुम की छोर भी सफेद थी, दुम ऊंची यानी। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। तो जो ये दूसरा कुत्ता लाए थे इसको इन्होंने वो दूसरा सीन फिल्मा दिया गमले में से भात खाने वाला।
किसी तरह उनकी शूटिंग पूरी हो गई। फिल्म देखते समय ये बात किसी के ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलों की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम किया। देखा, कह रहे हैं फिल्म देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि एक ही सीन में हमने दो अलग अलग कुत्ते लिए। यानी पहला सीन जो है कुत्ता जो ऐसे देख रहा है ललचाई निगाहों से, वो दूसरा कुत्ता है, और गमले में जो भात खा रहा है वो दूसरा कुत्ता है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, पेज नंबर 37 पे आ जाओ, पेज नंबर 37। हेलो, हाँ सर, 11 आज मंडे है ना सर? हाँ तो मंडे को मेरे पास भी 11th ही है। अट्ठाईस 11th साइंस, एक मिनट सर, 12th साइंस, हाँ सर, हाँ वो गलत लिख गया नीचे, 12th साइंस में है। चलो चलो ठीक है, मैंने तो, हाँ क्या हुआ सर? मैम गड़बड़ हो गई आज, चलो मैं चेंज करती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। हाँ जी मैम। हाँ अर्चना मैम, 12th साइंस में है आपका? हाँ हाँ मैंने देख लिया, अभी सर ने बताया फोन करके। ठीक है मैं चेंज करती हूँ, मैं लॉग आउट होती हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग मैम को बोल नहीं सकते थे कि ये इंग्लिश की क्लास है अभी? ओपन योर बुक। पेज नंबर 43 ऑन बिल। रेडी ऑल ऑफ यू? Yes. Lesson number 5. The ailing planet, the green movement's role. The ailing planet means वो planet जो अभी बहुत दुखी है। Ailing planet यहाँ पर आया है अर्थ के लिए, और जो एनवायरमेंटल कंडीशन है हमारी वो बहुत पुअर होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और बहुत सारा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम इस प्लैनेट को, इसके रिसोर्सेज को। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एलिंग प्लैनेट। और ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन मूवमेंट चलाया गया था ताकि हम ये जो एनवायरमेंटल कंडीशन है इसको थोड़ा सुधार सकें। एंड दिस आर्टिकल है, ये पूरा लेसन जो है, सो द फॉलोइंग आर्टिकल वाज रिटन बाय नानी पालखीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994।
द इश्यूज दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस। और ये पूरा आर्टिकल इन्होंने इस बारे में लिखा है कि जो अर्थ की हेल्थ है, यानी अर्थ को हम जितना नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, जितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसके रिसोर्सेज को, तो बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई ही रेज्ड दिस इशू। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो। In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. So, world history में ऐसा कोई और movement याद नहीं आता है जिसने कि worldwide human race का जो attention है उसको अपनी तरफ खींचा है so completely and so rapidly as the green movement, jitna ki green movement ki wajah se hua tha jo ki 25 years ago chalu kiya gaya tha in 1972, the world's first nationwide green party was founded in New Zealand, aur tab se ye movement jo hai wo aage badhta ja raha hai, it hasn't looked back. We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. So, अब हम दूसरी तरह से सोचने लगे हैं। मैकेनिस्टिक व्यू यानी कि जितना टेक्नोलॉजिकली हमने डेवलपमेंट किया है तो हम सिर्फ उस तरफ ध्यान दे रहे थे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं, सब कुछ है, और उन सब में हम ये भूल गए कि हम इस प्लैनेट के बारे में, अपनी अर्थ के बारे में भी हमें सोचना है। तो वी हैव टू डेवलप अ होलिस्टिक व्यू, होलिस्टिक मीन्स ऑन द होल, क्योंकि जितनी भी चीजें इस अर्थ पर हैं एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं सब एक कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हैं। सो उस ढंग से हमें सोचना पड़ेगा, होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, यानी इकोलॉजी जो जितना भी पर्यावरण है, इसके अर्थ पे जितनी भी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स है, उन सबका जो रिलेशन है आपस में, दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ इकोलॉजी। तो होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू से हमें इस दुनिया को देखना होगा। इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस, परसेप्शंस जो हम सोचते हैं समझते हैं। और कॉपरनिकस ने 16th सेंचुरी में हमें बताया था कि अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are part. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. और अब पहली बार इस human history में, यानी कि अब से पहले हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन अब कॉन्शियसनेस यानी कि ये जागरूकता वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में ये जागरूकता आने लगी है कि जो अर्थ है हमारी वो खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी अपनी जरूरतें हैं और मेटाबॉलिक नीड्स हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे साइकल्स इस अर्थ पर चलते रहते हैं, एंड एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ इज इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। यानी कोई भी एक सरवाइव नहीं कर सकता दूसरे के बिना, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। तो अगर किसी भी एक को हम डिग्रेड करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसका असर डेफिनेटली दूसरे पर पड़ेगा। सो
ये जो विशाल पृथ्वी है उसका हम एक छोटा सा हिस्सा है, और जो पृथ्वी की हमारी इस अर्थ की जरूरतें हैं उसको हमें समझना पड़ेगा और उसको हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा। द अर्थ वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। और अभी जैसा कि हम देख रहे हैं तो ये जो अर्थ है जिसको कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ऑथर ने माना है, तो इट इज इसके जो साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये एक पेशेंट है, अभी ये बीमार हो चुकी है और इसकी हेल्थ में लगातार गिरावट आ रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टेवार्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस। तो हमें ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, और हम समझना हमने स्टार्ट कर दिया है। हम ये रियलाइज कर चुके हैं कि ये हमारी एथिकल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पृथ्वी की सेवा करें, अच्छे से इसकी देखभाल करें और रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज बने, ताकि हम इसको एज इट इज अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए सुरक्षित रख सकें। यानी जो इसके रिसोर्सेज हैं वो अभी ही डिप्लीट करने के बजाय हम इतना प्रिजर्व करके रखें कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी ये सब मिल सके। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि वो डेवलपमेंट जो जिसमें सब कुछ एज इट इज बना रहे, जो कायम रहे, विच इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो ये 1987 में पॉपुलराइज किया गया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा, और अपनी रिपोर्ट में उसने डिफाइन किया था डेवलपमेंट के आइडिया को, ऐसा डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, जो अभी की हमारी जरूरतों को पूरा करे, लेकिन इस बात से समझौता नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन को जो चाहिए उसको हम अभी ही फिनिश कर दें। यानी कि हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग अभी यूज करें, लेकिन इतना कंजर्व करके चलें कि हमारी आने वाली जनरेशन को भी वो चीज मिल सके जिसकी उन्हें जरूरत होगी। जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दैट शुड बी यूज्ड वाइजली, दैट शुड बी कंजर्व, सो दैट फ्यूचर जनरेशन may also be able to use them. In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, "The world's most dangerous animal. Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership." लुसाका जाम्बिया में एक जू है जहां पर एक पिंजरा, एक केज रखा हुआ है जिस पर एक नोटिस लगा हुआ है, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। और उसके अंदर जाकर अगर हम देखते हैं तो वहां एक मिरर है जिसमें हम अपना रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो ये बताने की कोशिश की गई है कि इस पृथ्वी पर सबसे खतरनाक कोई डेंजरस एनिमल है तो वो है ह्यूमन बीइंग, मैन इटसेल्फ। बिकॉज जितना ज्यादा नुकसान इस अर्थ को ह्यूमन बीइंग्स ने पहुंचाया है ना किसी ने नहीं। टू फुलफिल देयर सेल्फिश नीड्स मैन हैज एक्सप्लॉइटेड द नेचुरल रिसोर्सेस।
अनवाइजली जैसे चाहो वैसे उन्होंने उसको अपनी नीड्स को अपनी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए इस अर्थ को एक्सप्लॉयट किया है. सो द मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड. और जब उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मैन को खुद को ये रियलाइज हो जाए ह्यूमन बीइंग्स को कि हम एक ऐसे सिस्टम से जहां हम डोमिनेट कर रहे हैं सबको, द सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन डोमिनेशन से शिफ्ट होकर के हमें उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा दैट इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. यानी कि ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, इस अर्थ के बारे में भी सोचना पड़ेगा, अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा, एंड द नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व. साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ. एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. Scientists ने catalog किया है कि अभी तक 1.4 million प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं जिनके साथ mankind यानी human beings को छोड़ करके 1.4 million other living species हैं जिनके साथ हमको इस अर्थ को शेयर करना है, जो हमारी ही तरह हकदार हैं इस अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने की. और ये जो एस्टिमेट्स हैं वेरी मींस चेंजेस वाइडली, क्योंकि अभी तक बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है. और बायोलॉजिस्ट का मानना है कि अभी तक 3 से लेकर 100 मिलियन तक और भी लिविंग स्पेसीज हैं जिनके बारे में अभी हम नहीं जानते हैं, जो अभी भी छुपी हुई है इग्नोमिनियस डार्कनेस, यानी कि जिनके बारे में वी आर स्टिल अनअवेयर, जिनका अभी हम नाम भी नहीं जानते हैं. तो 1.4 मिलियन तो कैटलॉग हैं यानी जिनके बारे में हम जानते हैं, उनकी लिस्ट हम बना चुके हैं, और उसके अलावा भी 100 मिलियन और दूसरी ऐसी स्पीसीज हैं जिनके बारे में अभी जानना बाकी है. सो वी आर नॉट अलोन ऑन दिस अर्थ टू यूज एवरीथिंग. हमें इन सब के साथ इन रिसोर्सेज को शेयर करना है बिकॉज द प्लैनेट इज ओनली वन एंड एवरीथिंग ऑन इट हैज टू बी शेयर्ड बिटवीन all the species found on this earth. One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brundt commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L. K. Jha. The first Brundt report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes, and ailing environment. और जो international commissions जो इस inter alia में deal करते हैं, inter alia का मतलब है कि जो भी कुछ इस earth पर है, everything is interconnected. जैसा कि मैंने अभी बताया था, inter alia यानी सबका relation एक दूसरे के साथ है. Everything depends on each other. तो वहां पर एकमात्र इंडियन मेंबर जो हमारे थे उनका नाम है मिस्टर एल के झा. और पहली रिपोर्ट में ये क्वेश्चन उन्होंने उठाया था कि क्या हम हमारे सक्सेसर यानी हमारी जो आने वाली जनरेशन हैं उनको हम एक स्कॉर्च्ड प्लैनेट यानी जला हुआ जलता हुआ, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं और डेजर्ट फैलते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन
इम्पावरिश्ड, तो क्या हम उन लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को हम ये देना चाहते हैं, एडवांसिंग डेजर्ट जहाँ रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, वेजिटेशन कम होती जा रही है, इम्पावरिश्ड लैंडस्केप, जो लैंडस्केप पहले बहुत हरे भरे, बहुत अच्छे फर्टाइल नजर आते थे, वो सब अब बंजर होते जा रहे हैं, उनका भी डिप्लीशन होता जा रहा है, डिटीरियोरेशन होती जा रही है उनकी कंडीशन में, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत बुरी कंडीशन में है. तो व्हाट वी वांट टू गिव टू आवर नेक्स्ट जनरेशन, दिस क्वेश्चन वाज रेज्ड इन द फर्स्ट डेंट रिपोर्ट. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट points out that the earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands and croplands, and they form the foundation of the global economic system. In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. So मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी बुक, जो बुक उन्होंने लिखी द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसमें ये पॉइंट आउट किया गया है कि जो अर्थ है उसके चार मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, फिशरीज, जो मत्स्य पालन उद्योग है यानी कि जो वाटर एरिया में चलाया जाता है, फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, grasslands which are essential for our domestic and wild animals, and croplands, और उसके अलावा जितना एरिया हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, यानी जो हमारी खेती से रिलेटेड है. तो ये चारों हमारे लिए essential है economic system के लिए, यानी इनसे हमारी economy में ऐड होता है. तो ये सिर्फ, ना सिर्फ हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, बल्कि यही चारों सिस्टम हमें सब कुछ देते हैं, चाहे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स हो या हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय दीज फोर सिस्टम्स. सिर्फ मिनरल्स और पेट्रोलियम को छोड़ करके बाकी सब कुछ हमें इन चार सिस्टम से मिलता है. इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इंपेयर्ड. व्हेन दिस हैपेंस, फिशरीज कोलैप्स, फॉरेस्ट डिसअपीयर, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट. तो जिस ढंग से हम इन चारों सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं अनवाइजली, तो ये सिस्टम्स जो है अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंच रहे हैं, यानी कि जल्दी ही इनकी जो क्वालिटीज हैं, इनका जो स्टैंडर्ड है वो खत्म हो जाएगा, जहां प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी. फिशरीज बिल्कुल एप्स, क्योंकि वाटर पोल्यूशन हम इतना ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिश उस पानी में रह ही नहीं सकती है, इट विल डाई. फॉरेस्ट को हम वैसे ही क्लियर करते जा रहे हैं, जंगल जो है वो गायब होते जा रहे हैं, ग्रासलैंड्स जितने भी थे हमारे वो बैरन वेस्टलैंड्स यानी बंजर जमीन में बदलते जा रहे हैं, जहां घास उगती नहीं है, बिकॉज वी हैव फिनिश्ड इट्स फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. और क्रॉपलैंड भी इसी तरह से डिटीरियोरेट हो रहे हैं, यानी खेती के लिए जो जमीन है उसकी भी क्वालिटी गिरती जा रही है, बिकॉज मैनी रीजंस आर देयर, सच एज केमिकल फर्टिलाइजर्स विच आर यूज्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी. In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day.
In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot costs more than what goes. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life faced extinction as a result of its destruction. और जो हमारी ग्रीड है, जो हमारी सेल्फिशनेस है, यानी लालच ज्यादा से ज्यादा हासिल करने का, उससे हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज को एंड देयर कंडीशन इज बीइंग डिटीरियोरेटेड. प्रोटीन कॉन्शियस जो लोग हैं, प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, प्रोटीन हासिल करने के लिए ओवर फिशिंग हो रही है. पुअर कंट्रीज में लोकल फॉरेस्ट जो है उनको खत्म किया जा रहा है, और उसके अलावा कुकिंग के लिए फायरवुड यानी हरे पेड़ों को काटा जा रहा है जस्ट टू ऑब्टेन द वुड फॉर कुकिंग फूड. और इन सम प्लेसेस तो फायरवुड इतनी महंगी हो गई है, यानी लकड़ियां इतनी महंगी हो गई हैं जलाने के लिए जो चाहिए होती है, कि लोग ये कहते हैं कि जो बनाया जा रहा है, व्हाट गोज अंडर द पॉट, यानी कि चूल्हे के लिए जो लकड़ी होती है वो पॉट के नीचे लगाई जाती है, तो व्हाट गोज अंडर द पॉट यानी उन लकड़ियों की कीमत उससे भी ज्यादा है जो कि फूड हम उस पॉट के अंदर, उस बर्तन के अंदर बना रहे हैं. और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है डॉक्टर मायर्स के अकॉर्डिंग पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन है, क्योंकि जंगल फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं. दैट यू ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. नियरली एवरी नीड इज फुलफिल्ड बाय द प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो इसको पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन कहा गया था, लेकिन अब बहुत सारी जातियां वहां पर एक्सटिंक्शन तक पहुंच गई हैं, यानी कि विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि उनके लिए जंगल ही नहीं बचे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन. जितना हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं तो स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी होम टू लिव, एनी प्लेस टू लिव, एंड they do not have anything to eat. तो deforestation के जो परिणाम हैं उसकी वजह से बहुत सारी जो species हैं वो extinct होती जा रही हैं. जो land area है वो barren होता जा रहा है, waste land में बदलता जा रहा है. Because trees are very essential even to attract the rain, to prevent the soil erosion. तो बहुत सारी इसकी जो values हैं, importance है. It has been well said that the forests precede mankind, deserts follow. The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. And the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. The World Bank estimates that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. So, this article is written in 1994. So, ये तब की बात है, और it has been well said कि जो forests हैं that precede mankind and deserts follow. The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. Yani jo mankind hai usko aage badhane ke liye jo jungle hai unko hum saaf karte ja rahe hain, aur piche piche jo area hai wo deserts mein convert hota ja raha hai. Tropical forests 40 to 50 million acres a year से हम उनको खत्म करते जा रहे हैं. And the growing use of dung, cow dung, तो जो कंडे वगैरह बनाए जाते हैं उससे जो नेचुरल खाद है, जो नेचुरल मेन्योर है,
जो सॉइल को मिलता था बाय दीज वेस्ट ऑफ एनिमल्स, वो हम उनसे, उस सॉइल से हम छीनते जा रहे हैं, क्योंकि वी यूज दैट टू प्रिपेयर द डंग्स और इनको हम बर्निंग के लिए, जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो नेचुरल फर्टिलाइजर जो उस सॉइल को मिलता, उसको भी हम उससे छीन रहे हैं। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ फाइव फोल्ड इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, और वर्ल्ड बैंक के अनुसार अभी जो कंडीशन है उसके हिसाब से हमें 5 गुना ज्यादा जंगल ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे, और वापस से फॉरेस्ट को एफोरेस्टेशन इज रिक्वायर्ड, ताकि हम ये जो जरूरत है फ्यूएल वुड की जो डिमांड होगी ईयर 2000 तक, उसको हम फुलफिल कर सकें। इज दैट क्लियर? रीड द लेसन अगेन एंड अंडरलाइन द वर्ड्स विच यू वॉन्ट टू आस्क, और अभी अगर कुछ पूछना है इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी अगर कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी। Yes, you want to ask anything? Okay then. Goodbye. Read the lesson again. Okay, bye.
गुड मॉर्निंग क्लास। This is your biology class time. The students biology के वो रुक जाए बाकी चले जाए। चार स्टूडेंट्स हैं, चारों बायोलॉजी के हैं क्या अपने पास में? खुशी राठौर, नियति और विशाल सुमित। वेट सुमित, वी विल डू डिस्कशन ओवर योर डाउट। नियति एंड विशाल, आर यू फ्रॉम बायोलॉजी और मैथ? विशाल तो बायोलॉजी से है। व्हाट अबाउट नियति? नियति, आर यू ओल्ड वन और न्यू वन स्टूडेंट? आप इसी स्कूल से थे कि आप न्यू एडमिशन लिया है? सुमित, यू कैन आस्क योर डाउट। What about other? Order में क्या पूछ रहा बेटा? ऑर्डर की डेफिनेशन तो अपन ने देखा था, ऑर्डर किसके बाद में आया था? अपने जीनस के बाद में आया था ना, क्लास से पहले। तो जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स अपन क्या करते हैं, ऑर्डर की मैच करते हैं किसी स्पीसीज को पहचानने के लिए। तो ऐसा कह सकते हैं इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्यू फैमिलीज, ठीक है, जिसमें ऑर्डर इंक्लूड होता है। लेकिन जब फैमिली को आइडेंटिफाई करना हो कि ये कौन सी फैमिली से डिफरेंट है, ठीक है, तो अपन ऑर्डर यूज करते हैं। तो डेफिनेशन नहीं हो सकती इन चीजों की। जो टैक्सोनॉमी, जो टैक्सा हैं, वो आपको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन उनके उनको समझा जा सकता है कि एक तरीके से क्या है, ये स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जहां अपने को क्या करनी है, सिमिलरिटी रखनी। तो ऐसा कह सकते हैं कि इन अ ऑर्डर देयर आर सम फैमिलीज और मोर देन फ्यू। पेज नंबर 11, ओके, पेज नंबर 11 पे जाना है। कौन सी बुक है, एनसीईआरटी है कि वो वाली है? अच्छा, ओके, फिर
ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बिना इसके कैसे काम कर सकते हैं, बिना इसके कैसे काम कर सकते हैं। जैसे अपने पास में देखो इसी ऑर्डर में है ना, ये है क्या स्पाइंडेलस है, ठीक है, जैसे मैंगो का अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो डाइकोटिलेडॉन तो बहुत सारे प्लांट होते हैं, ठीक है, मैंगो ज्यादा क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं स्पाइंडेलस से। फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, स्पाइंडेलस कौन से होते हैं जो फ्लावर बियरिंग है, ऐसे हाउस फ्लाई है डाइप्टेरा जिसके विंग्स में क्या हो दो दो वो हो, दो विंग्स हो, मल्टीपल वो फॉर्म में हो, तो इस तरीके से भाई आर्थ्रोपोडा के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ बड़े विंग्स के होते हैं कुछ छोटे होते हैं, ठीक है, डाइप्टेरा आ गया व्हिच मींस विंग्स में क्या होंगे दो वो विंग्स पाए जाएंगे। ओके चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो भाई हमने मोनेरा फाइलम स्टार्ट कर रखा था, मोनेरा में हमने यू बैक्टीरिया पढ़ लिया था, मोनेरा फाइलम हम पढ़ रहे थे और जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था यू बैक्टीरिया पढ़ लिया था। यू बैक्टीरिया में तो कौन से पढ़ लिए थे, ऐसे बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ लिया था जो क्या क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, यानी कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं इसमें जो हेटरोट्रॉफ्स हैं। हम पढ़ गए थे पहला फाइलम पढ़ रहे थे मोनेरा, मोनेरा हमने कितने में दो क्लासेस में डिवाइड किया था याद हो तो आर्को बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, तो हम आर्की बैक्टीरिया पढ़ चुके थे और यू बैक्टीरिया पढ़ रहे थे। यू बैक्टीरिया के भी हमने कौन से पढ़ लिए थे ऑटोट्रॉप्स पढ़ लिए थे, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स पढ़ लिए थे। अब पढ़ रहे हैं अपन से हेटरोट्रॉप्स, तो इसका सेकेंड टाइप है हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। आप एक बात याद रखिएगा, जितने ज्यादा जितने अपन ने क्या पढ़े थे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया पढ़े थे उससे कहीं मल्टीपल अमाउंट में हमारे पास में हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो हमारे लिए जैसे अपन एक चैप्टर पढ़ते हैं फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ा मुझे याद नहीं बहुत पहले की बात, ठीक है, तुमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स ऑफ, ठीक है, हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। हमने एक छोटी सी चीज हमारे डिस्कशन की, जैसे हमारे ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसी होती है जो हमारे काम आते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसी हैं जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं विच आर यूजफुल, लाइक दही को कर्ड में सॉरी दूध को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया काम में आते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है फायदेमंद है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कुछ ऐसी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, वो हमारे लिए काम के हैं, लेकिन देर आर फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो विच आर पैथोजेनिक, ठीक है, इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हो सकते हैं पैथोजेनिक विच मेक अस इल, जो अपने को क्या कर सकती है बीमार भी बना सकती है, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बात करें। हाइड्रोस्कोपिक जो हाइड्रोट्रोपिक जो बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, नहीं बैक्टीरियो के डिफरेंट वर्ड है, बैक्टीरियो को ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं जो वायरस को क्या कर सकते हैं जो मतलब एक तरीके से क्लीनर का काम कर सकते हैं, क्योंकि वायरस को भी क्या कर देते हैं मार देते हैं, ठीक है, वायरस को भी क्या कर देते हैं मार देते हैं, कुछ ऐसी शेप वाले देखेंगे ना, तो देखो हेटरोट्रॉपिक होते हैं ना, हेटरोट्रॉपिक का अंदर है ना ज्यादातर तो क्या होता है डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, डिकेइंग डिकेइंग मतलब जो कचरा आपने फेंक दिया है वेस्ट फेंक दिया, जैसे अपने घर में क्या ली वेजिटेबल्स ली कोई भी सब्जी बनाई, ठीक है, तो उसकी जो फिलिंग्स होती है जैसे प्याज काट लिए तो छिलके रह गए है ना, और भी कोई वेजिटेबल ली तो उसकी जो ऊपर की जो पार्ट होता है फिलिंग्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं फिलिंग्स बोलते हैं, उसको अपन ने क्या किया उठा करके डंप कर दिया डस्टबिन में फेंक दिया, डस्टबिन से वो चला गया वेस्ट वार्ड में, वेस्ट वार्ड से अपन ने देखा कि वहां पे क्या होते हैं बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वहां पे क्या पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो धीरे धीरे उसको क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं, धीरे धीरे उसको क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, कैसे डिकम्पोज करते हैं उसको बोर्ड क्लियर नहीं उनका कौन से वाला उधर वाला दिख नहीं रहा है क्लियर नहीं दिख रहा है, मार्क्स बेटर
ओके ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करती है, उस कचरे को, उस वेस्ट को क्या कर देती है, डीकम्पोज करने का काम करती है। तो ऐसा कचरा जो अपने बाहर फेंक दिया है वो डीके होता है, डीकम्पोज होता रहता है, उसके ऊपर ये क्या करती है अपना फीड करते हैं। कौन से बैक्टीरिया? हेटरोट्रोपिक जो बैक्टीरिया, जो यू बैक्टीरिया है, ऐसे बैक्टीरिया जो हेटरोट्रोपिक है, हेटरोट्रोपिक मतलब जो खुद का खाना दूसरों से लेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, डीके होते हुए फूड के ऊपर क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन देते हैं। जैसे कोई जानवर मर गया है या कोई प्लांट की डेथ हुई है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उन्हें वो क्या कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारे लिए तो ये अच्छा काम है, हमारे लिए ये अच्छा काम है। कैसे अच्छा काम है ये, हमारे लिए क्या करके दे रहे, क्लीनिंग करके दे रहे, सफाई वाला काम हो गया। सोचो अगर कचरा पड़ा रहे ये अपना घर है, ये अपना घर है, ठीक है, आपने क्या किया, कचरा यहाँ पे, ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, आते हैं इसके ऊपर, वेजिटेबल्स क्लीनिंग वगैरह थी, पत्ते वगैरह पड़े थे, उसको क्या कर रहे हैं, चालू कर देते हैं, खाना चालू कर देते हैं, और उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सोइल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कुछ टाइम के अंदर आपका कचरा कैसा होता था, डीकम्पोज होता था। अगर ये नहीं होते तो वो कचरा ऐसे कैसे रखा रहता है, ऐसे कैसे पड़ा रहता है, कभी डीकम्पोज होता ही नहीं, वेस्ट ही वेस्ट इकट्ठा हो चुका था। कचरा कितना निकलता हर घर में से, ठीक है, चारों तरफ क्या होता है, वेस्ट ही वेस्ट तैयार हो जाता। इस तरीके से हमारे लिए क्या करते हैं, फायदा करके देते हैं, ठीक है। ज्यादातर कैसे होता है, डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पे रहने वाले भाई, हाइड्रोस्कोपिक तो है लेकिन लिविंग एनिमल पे नहीं है, डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे हैं, जो मर चुकी हैं, जो प्लांट्स मर चुके हैं उनके ऊपर ये अपना फीड करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे अपने लिए क्या करके देते हैं, दूध से दही बना के देते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, नाम बताओ उस बैक्टीरिया का, कौन सा है जो दूध से दही बना के देता है, बता सकते हो नाम? एग्जैक्टली तो देखो, दूध से दही बनाने के लिए अपने को क्या मिलते हैं, तो एक 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 कैरेक्टरिस्टिक तो ये होगा। दूसरा ये है, ये हमारे लिए कुछ इस तरीके से भी यूजफुल है कि मिल्क से हमें क्या करके देते हैं, कन्वर्ट करके देते हैं कर्ड में, विच इज लैक्टोबैसिलस। अरे सुमित बेटा, ये बैसिलस का मतलब क्या हुआ, बता सकते हो आप में से कोई, व्हाट इज द मीन ऑफ बैसिलस, यहाँ पे बैसिलस क्या चीज है, लैक्टो का मतलब तो दूध है, बैसिलस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ बैसिलस, अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, व्हाट काइंड ऑफ कैटेगरी, व्हाट काइंड ऑफ कैटेगरी इट इज, लैक्टोबैसिलस का मतलब है बैसिली जो फैमिली है ना उनकी शेप कैसी होगी, रोड जैसी होगी, अपने पढ़ा था ना, मैंने बताया था ना इनका नाम, इनके इसी के ऊपर तो मिल जाएगा, जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई भी मिलेंगे अपने बॉडी बैक्टीरिया अपन आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। तो ये कैसे मिलेंगे, स्ट्रेट बार शेप होंगे, ठीक है, या स्पून शेप उसके बेस पे, ठीक है। और भी हमारे पास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे अपने नाइट्रोजन को है ना, एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन होती है उसे क्या कर देते हैं, फिक्स करने का काम करते हैं, क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं इसमें अमोनिया में या नाइट्रेट में, ठीक है, NH3NH2 में। और कौन करके देता है आपको, नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया, नाम क्या उसका, नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया। तो इससे इनका फायदा क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे इसको है ना लैक्टोबैसिलस को फूड मिल जाता है, यहाँ इसको फूड मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, जैसे अपने को वैक्सीन बनाने में काम आता है, पेनिसिलिन बन रही है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स फॉर्म करके देते हैं, तो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है, जो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद। हाँ, ब्लू ग्रेन एलर्जी भी है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन है ना कुछ कैसे हैं, पैथोजेनिक है, ये वर्ड समझते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथोजन, इस वर्ड का मतलब पता है सबको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथोजन, पैथोजन का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक अस इल, जो अपने को क्या कर सकते हैं, बीमार
बना सकती है, ठीक है, जो अपने को क्या कर सकती है, बीमार बना सकती है, ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने को बीमार बना देती है। कोई भी ऐसा वायरस, जैसे अभी कोरोना वायरस है, COVID-19 है, सर पैथोजन, ठीक है, दुनिया हमारे क्या है, पैथोजन का, तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज भी है जो हमें क्या कर सकते हैं, बीमार बना सकते हैं, कोलेरा है, टाइफाइड है, टिटनेस है, और नींबू में होने वाला सिट्रस के, तो बहुत सारी ऐसी पैथोजन भी है जो अपने को क्या कर सकते हैं, बीमार बना सकते हैं। तो सच ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक अस इल आर नोन एज पैथोजन। ये वर्ड समझ में आ गया, पैथोजन क्या होता है, तो कुछ हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया ऐसे हैं, न्यू बैक्टीरिया के कुछ हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या होते हैं, एंटर कर जाते हैं, और वो क्या करते हैं, हमें क्या कर देते हैं, बीमार बना देते हैं, ठीक है, और वो डिजीज्ड कंडीशन पैदा करते हैं हमारे लिए। प्लांट्स में भी होती है, ऐसा नहीं है एनिमल्स में ही है, प्लांट्स को भी क्या कर सकते हैं, बीमार बना सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, पैथोजेनिक वायरस है, सॉरी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया में अगर अपन बात करें रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन इनमें पाए गए हैं, खासकर इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। देखिए कोई बैक्टीरिया है इस स्टेट में, कुछ इस स्टेट में, ठीक है, लिविंग सेल शो कर रहा है, अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई है, फेवरेबल मींस इसके पसंद की, फेवरेबल का मतलब है इसके पसंद की, जैसे मान लो इसको प्रॉपर फूड मिल रहा है, प्रॉपर एनवायरमेंट मिल रहा है, जैसे मान लो प्रॉपर फूड मिल गया इसको, ठीक है, पहली चीज मिल गई, और इसको टेम्परेचर चाहिए 25 से 30, इतना 25 से 30 इसको टेम्परेचर भी मिल रहा है, ह्यूमिडिटी चाहिए उतनी इसको ह्यूमिडिटी मिल रही है, तब तक तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, तब तक तो क्या है, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। जैसे ही ये फेवरेबल कंडीशन इसकी रिमूव कर दी जाए, जैसे ही ये फेवरेबल कंडीशन इसकी क्या कर दी जाए, रिमूव कर दी जाए, मतलब ये सब चीजें ना हटा दी, खाना नहीं दिया, या इसमें से टेम्परेचर में इसको 50 ले गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी कम कर दी, तो इस बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। ये क्या करते हैं, अपने अंदर अपने डीएनए को क्या कर देते हैं, सेगमेंटेड कर देते हैं, आगे बढ़ेंगे इसको रिप्रोडक्शन को, ऐसे इन्हें बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, इस तरीके से। और जब वापस फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये क्या बन गया, स्पोर बन गया, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये सारे स्पोर क्या हो जाएंगे, अलग अलग लिविंग सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, अलग अलग लिविंग सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से होने वाले रिप्रोडक्शन को, इस तरीके से होने वाले रिप्रोडक्शन को अपन क्या कहते हैं, कौन सा कहेंगे, स्पोर फॉर्मेशन कहेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का है, ठीक है, कि अनफेवरेबल कंडीशन आई तब तो इन्होंने क्या कर दिया, खुद को डिवाइड कर लिया, स्पोर्स में कन्वर्ट कर लिया, फेवरेबल कंडीशन आई तो ये क्या कर लेते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कर लेते हैं, ठीक है। इज देर एनी वैक्सीन ऑफ एड्स, नो देर इज नो वैक्सीन और नो एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, वी डू हैव स्टिल, एड्स होने के बाद में उसे कंट्रोल करना मुश्किल है, HIV वायरस है, उसको अभी तक कोई ना तो वैक्सीन है ना ही उसकी कोई ट्रीटमेंट है, ठीक है। चलो ये हो गया अपने पास में। इसके अलावा एक सच ऑर्गेनिज्म सोर्स है विच आर माइकोप्लाज्मा, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, दिस इज द स्मॉलेस्ट क्रिएचर, दिस इज द स्मॉलेस्ट क्रिएचर ऑन द वर्ल्ड, जिससे कि क्या है, अपने को अभी तक अपने इसके अलावा कोई वो नहीं है, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस इसको जरूरत नहीं है, इसको क्या नहीं है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है फॉर शोइंग अ लिविंग बीइंग, इसको ऑक्सीजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये भी माइकोप्लाज्मा है ना, ये भी पैथोजेनिक है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल के लिए। यहाँ पे अपना जो मोनेरा फाइलम है वो कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे अपना क्या हुआ, मोनेरा फाइलम कंप्लीट हुआ है। इसमें अपन ने दो तरीके के बैक्टीरिया पढ़े थे, यू बैक्टीरिया आर्क जो अपन ने पढ़े वो, और आर्को बैक्टीरिया अपन ने पहले पढ़ दिए थे। आर्क यू बैक्टीरिया दो तरीके थे, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक लास्ट क्लास पढ़ी, आज हेटरोट्रोपिक पढ़ी है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर अपन पढ़ेंगे अगला फाइलम किंगडम प्रोटिस्टा, जिसे आप अमीबा वगैरह के नाम से तो जानते जाते हैं। It might be a fake news. अगर ऐसा होता ना कि अगर नेचुरली किसी ने क्योर कर लिया है अपने को HIV से, ठीक है, विच मीन्स कि उसके अंदर एंटीबॉडी बन गई है, उसके अंदर क्या हो गई है, एंटीबॉडी बन गई है, ठीक है। अगर एंटीबॉडी बन गई है तो उससे आगे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जैसे अभी सीरम वाला ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें अपन करते क्या है, एक आदमी जिसने ना अभी भी कोरोना कोरोना को हराया है, मतलब कोरोना से ठीक हुआ है, उसके अंदर एंटीबॉडी बन गई, उसका सीरम लोगे तो जिसके अंदर नहीं बन पा रही है उसके अंदर डाल सकते हैं। तो अगर HIV से कोई ठीक होता ना, इट मीन्स उसकी बॉडी ने उसके लिए क्या बना के दी, एंटीबॉडी बना के दी, वो एंटीबॉडी अपन आगे प्रोडक्शन कर सकते हैं।
नाइट्रोजन के आगे मैंने लिखा है नाइट्रोमोनास और ये अमोनिया और नाइट्रेट है, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन से हेल्प करती है। ये नाइट्रोजन क्या, ये वाला जो तरीका है ये, इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे कुछ प्लांट है एनवायरमेंट की जो नाइट्रोजन होते हैं सबसे ज्यादा जो गैस पाए जाते हैं ना एनवायरमेंट में 78% नाइट्रोजन ही है, लेकिन ये प्लांट से इसको सीधे नहीं ले सकते, ये प्लांट्स क्या नहीं कर सकते इसको सीधे तो बिल्कुल नहीं ले सकते, इन्हें किस फॉर्म में चाहिए होती है, सिंपलर फॉर्म में चाहिए, ठीक है, इन्हें कहते हैं कंपाउंड फॉर्म में चाहिए नाइट्रोजन स्ट्रेट ना लेकर के इन्हें यहाँ चाहिए नाइट्रोजन, ठीक है, इस फॉर्म में NH2 के रूप में। तो ये नाइट्रोमोनास क्या करते हैं प्लांट्स के रूट से पाए जाते हैं, जैसे लेग्यूमिनसी प्लांट्स हैं मटर वगैरह जो दलहनी फसलें होती है जिसके अंदर सीरियल क्रॉप्स की जाती है, उनके अंदर क्या होते हैं अपने पास है डिटेल पूरा इसके अंदर कि किस वजह से इन्हीं प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, अगर पढ़ेगा जैसे उनकी रूट्स में क्या होती है ऐसे नोड्स बन जाते हैं जहां पर बैक्टीरिया रहता है, जहां पर बैक्टीरिया रहता है ये क्या करता है एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को अंदर ले लेता है और इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, इसका फायदा ही रहता है बैक्टीरिया को तो रहने की जगह मिल जाती है और प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाती है सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन मिल जाती है। कौन सा बैक्टीरिया, नाइट्रोमोनास। कौन से प्लांट्स में पाया जाता है, लेग्यूमिनोसी प्लांट्स जो सीरियल क्रॉप्स है ना, जैसे मटर है, चना है, मूंग है, ये वाली दाल वाली फसल, इसीलिए कहते हैं क्रॉप रोटेशन यूज कर लीजिए, एक बार जिस जमीन पे गेहूं उगाए उस जगह पे क्या उगा लेना चाहिए, अगली साल चना उगा लेना चाहिए, तो सोइल के अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी अपना बढ़ जाएगी, वरना फिर आप यूरिया वगैरह डालने पड़ते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो वरना आगे बढ़ते हैं। और समझ में आ गया तो थंब भेज दो, मैं हटा देता हूं। कोकाई, हटा दो इसे, अगर आ गया है तो थंब भेज दो बेटा एक बार सब अपने, और नहीं आया है तो कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो। विशाल, इज देयर एनी डाउट? और सुमित, नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया इज फ्रॉम कोकाई बैक्टीरिया और नॉट, इज दैट योर क्वेश्चन? कोकाई फैमिली का बैक्टीरिया है या नहीं है यही पूछना है ना नाइट्रोमोनास। सुमित क्या क्वेश्चन है, रिपीट करो बेटा एक बार। हाँ सही है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगला पायलम पढ़ेंगे अपन ने, पहला पायलम पढ़ लिया है मोनेरा, अगला पढ़ने जा रहे हैं अपन प्रोटिस्टा।
पहला था मोनेरा किंगडम, सेकंड पढ़ने जा रहे हैं प्रोटिस्टा, ठीक है। सेकंड पहला मेरे पास में क्या है, नाम है इसका प्रोटिस्टा। देखिए प्रोटिस्टा एक वास्ट फाइलम है, वास्ट किंगडम है, मतलब वास्ट मतलब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म से, बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगी, कुछ बहुत छोटे कुछ कॉलोनियल, ज्यादातर लेकिन मैक्सिमम होंगे ना वो, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है ज्यादातर कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, कैसे होते हैं एक्वाटिक। लेकिन देखो मैंने पहले भी बताया एक्वाटिक अगर किसी को हैबिटेट बोलते हैं, जैसे अपन बोलते हैं कि जमीन में रहते हैं, लेकिन जमीन तो बहुत तरीके की है भाई, ठीक है, कहीं आइस है, कहीं पे क्या है अपने यहाँ पर डेजर्ट भी है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ऐसे ही एक्वाटिक जो इकोसिस्टम है उसे भी दो कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैराइन इकोसिस्टम, और जो सेकेंड है वो है फ्रेश वाटर, ठीक है। देखो जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, कोई बोले कि ये तो पानी में रहता है, उसे बोलते हैं एक्वाटिक, एक्वाटिक लाइफ ऐसी एक्वाटिक लाइफ है। लेकिन एक्वाटिक को भी हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला है मैराइन और सेकेंड है फ्रेश वाटर, ठीक है। मैराइन का मतलब ऐसा है जो ओशन में पाए जाते हैं, जो सी में पाए जाते हैं, ठीक है, जो ओशन में पाए जाते हैं, मतलब सॉल्टी वाटर होगा, यहाँ पे पानी कैसा होगा, सॉल्टी होगा, नमकीन पानी होगा, नमक पानी, ठीक है। जबकि फ्रेश वाटर सोर्सेज है ना वो बिल्कुल मीठे होंगे, जैसे रिवर हो सकती है, आपका लेक हो सकता है, आपका पॉन्ड हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट। ये सारे कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर सोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब देखो वाटर सोर्सेज मराइन वाला होता है ना वो स्टेशनरी माना जाता है, जबकि हमारा जो फ्रेश वाटर सोर्सेज है वो दो टाइप से डिवाइड है, एक फ्लोटिंग और एक स्टेशनरी। भाई एक तो बहते रहती है जैसे रिवर्स है, उनकी लेक क्या रहती है, रुकी हुई रहती है, तालाब क्या होता है, रुके हुए रहते हैं, तो इस तरीके से ये भी डिवाइडेड है। तो हमारा जो प्रोटिस्टा जो फाइलम है, जो प्रोटिस्टा जो ग्रुप है, ठीक है, जो किंगडम है, वो क्या होता है, हमेशा किसमें पाया जाता है, एक्वाटिक सोर्सेज पर पाया जाता है, यानी कि दोनों तरीके से हो सकते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, कुछ ओशनेटिक भी हो सकते हैं, कुछ ऑटोट्रोपिक है, कुछ हाइड्रोट्रोपिक है, यानी कि जो कुछ तो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कुछ तो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ कर सकते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन इसके बारे में ना इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बहुत सारे बायोलॉजिस्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कहते हैं कि प्लांट से मिलते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। और वही कुछ बायोलॉजिस्ट ऐसे भी कहते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, एनिमल से। तो प्रोटिस्टा जो हमारा किंगडम है इसे कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक की तरह कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जब इवोल्यूशन हुआ था तो देखो ये शो करता है एविडेंस, क्या करता है, एविडेंस शो करता है कि हाँ कहीं ना कहीं पहले कुछ ऐसी और प्रेजेंस रही होगी, अब ऐसे में कन्वर्ट हो गई, अब ऐसे में कन्वर्ट हो गई कि भाई पहले प्लांट थे और एनिमल थे, लेकिन उनके बीच की ये चीजें थी, ये कहीं ना कहीं एविडेंस बनते हैं। तो इससे ऐसे कह सकते हैं कि ये डील कर रहा है किस किस के बीच में, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच के कैरेक्टर रखता है, मतलब कुछ कैरेक्टर एनिमल्स के रख लेते हैं, कुछ प्लांट्स के रख लेते हैं, ठीक है ना। बात करें अगर रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो थोड़ी डेवलप हो गई ऑर्गेनिज्म उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा, मतलब जायगोट तक फॉर्म होने वाला पाया जाता है, जो ह्यूमंस की टेंडेंसी जो हायर एनिमल्स है ना उनकी, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, बल्कि हाँ ये वाकई में मीडिएटर की तरह बिहेव कर रहा है, किस किसके बीच में, हमारे बीच में और एनिमल्स के बीच में और प्लांट्स में, ठीक है ना। आपस में क्या है कि जो डेवलपमेंट हुआ वो कहते हैं कि कुछ इस तरीके से ही ओके है, ठीक है ना। तो प्रोटिस्टा फाइलम है, इसकी बहुत सारे हमने क्या बना रखे, ग्रुप्स बना रखे, बहुत सारे क्या बना रखे, ग्रुप्स बना रखे, विच हैव फ्यू, जैसे क्राइसोफाइट्स है, हाँ दे आर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बहुत है, दोनों यूकैरियोटिक है क्योंकि इनके अंदर चार तरह क्या पाई जाती है, अच्छी स्पोर पाई जाती है, ठीक है, इनके अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाएंगे ना वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, अच्छा रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके लिए तो ये कंडीशन बहुत एप्लीकेबल है, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो ये सब बाउंडेड होंगे, सबके चारों क्या पाई जाएगी, एक वॉल पाई जाएगी, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल होगी, ठीक है, मैंने बताया था ना प्रोकैरियोटिक सेल वहीं पे खत्म हो जाती है, अपना जो मोनेरा है ना वही सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल रखता है, बाकी तो सब यूकैरियोटिक रखेंगे। चलो तो चालू करते हैं, इसकी अपने पास में पांच मेजर क्लासेस हैं, मेरे पास में पांच छोटे ग्रुप्स बना रखे हैं, ठीक है, उनको डिवाइड कर लेते हैं, तो उनको एक एक करके अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन
करेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक बार पांच नाम लिख लेते हैं, जो प्रोटिस्टा है उसकी पांच मेरे पास में क्या है, मेजर क्लास ग्रुप्स हैं। तो फर्स्ट ग्रुप इज क्राइसोफाइट्स, क्या है क्राइसोफाइट्स। सेकंड जो है मेरे पास में है दैट इज डाइनोफ्लेजिलेट। जो थर्ड जो ग्रुप निकल करके आ रहा है दैट इज यूग्लेनोइड, ठीक है। और जो फिफ्थ जो क्लास निकल करके आई है चार्ल, एक माउल्ड और होती है इसमें, क्या होती है माउल्ड, ठीक है। और एक क्लास जो है वो है मेरी प्रोटोजोन्स की, किसकी है प्रोटोजोआ, मेजर ग्रुप जो है। तो हेयर आर द फाइव किंग स्प्लिट ग्रुप्स, ये मेरा क्या है किंगडम है, दिस इज माय किंगडम। पढ़ क्या रहे अपन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर एच टेकर ने दिया था। उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं एनिमल्स ग्रुप्स हैं उनको हम पांच क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। म्यूज, म्यूज स्पेलिंग सही है, तिल को बोलते हो तो तिल हो जाते हैं स्किन पे, वो वाला है या फिर मूस माउल्ड से, ये एम ओ यू एल डी है, इसके बारे में पूछ रहे हो। स्पेलिंग सही है तुम्हारी, सुमित स्पेलिंग सही है बेटा, ये वाला पूछ रहे हो या कौन सा पूछ रहे हो, नहीं स्पेलिंग बता दो तुम तो, स्पेलिंग सही है क्या, एम यू एल ई है तब तो एनिमल्स के लिए होगी, हाँ अरे वो जो ऐसे एनिमल्स जो वेट कैरी करने के काम होते हैं लाइक डंकी और वो हॉर्स, जिनके ज्यादातर स्किन के काम होता है ना लेदर वगैरह उनका जो बहुत वो बनता है यूजफुल होता है, उनकी भी बात कर रहे हैं म्यूज, लेकिन यहाँ पर जो किया गया वो डंकी और उसके लिए यूज कर रहे हैं। पेज नंबर चार बहुत पीछे होगा, पेज नंबर चार पे रिप्रोडक्शन वाला, कहाँ लिखा हुआ भाई इसमें, हाँ म्यूल्स वो होते हैं क्या नाम से डंकी और वो खच्चर को बोलते हैं, खच्चर को जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते स्टेराइल नहीं होते ना उनके लिए बोला है, खच्चर नाम सुना, डंकी और हॉर्स के बीच की जो बनाई गई है इंप्रूव्ड वेराइटी बनाई गई, ठीक है। उससे क्या करवाते हैं, एक्चुअली क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स दो के मिक्स किए गए, डंकी वेट कैरी कर सकता और हॉर्स तेज भाग सकता है, लेकिन हॉर्स वेट कैरी नहीं कर सकता और डंकी तेज नहीं भाग सकता, तो उनको दोनों के जीन लेकर के स्प्लिट ऑर्गेनिज्म डेवलप की गई विच इज म्यूल, लेकिन वो नॉन स्टेराइल होते हैं और रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए यूज किया गया था वहां पे, वहां बताया गया कि वो लिविंग बींग तो है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे हनीबी का एग्जाम्पल दिया था। तो हेयर आर द फाइव सब क्लासेस या फाइव ग्रुप्स है मेरे पास में, पहला है क्राइसोफाइट्स, ठीक है, दूसरा है प्रोटोजोआ, ठीक है, नहीं क्लोन नहीं है, क्लोन इज अ डिफरेंट थिंग, क्लोन मतलब कॉपी होता है, क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, वो स्प्लिट है मतलब मिक्स ब्रीड कह सकते हैं उसको, हाइब्रिड कह सकते हैं, हाइब्रिड है, ठीक है। दूसरा मेरे पास है प्रोटोजोआ, और अपन अगर बुक के अकॉर्डिंग पढ़े तो दूसरा है मेरे पास में
डायनोफ्लेजेनेट्स जिसमें फ्लेजेला पाए जाते हैं मूवमेंट के लिए, तीसरा है मेरे पास में यूग्लेनोइड्स, फोर्थ है माउल्ड और फिफ्थ है मेरे पास में प्रोटोजोआ। तो प्रोटिस्टा के मेरे पास में पांच सब ग्रुप्स हैं, क्राइसोफाइट्स जो ऑटोट्रोफिक है मेरे पास में, डायनोफ्लेजेलेट्स ठीक है इनके पास में लोकोमोटरिक ऑर्गन ही नहीं है, इनके पास में फ्लैजेला पाई जाती है, इसमें फ्लैजेला हो सकती है ठीक है, स्टेशनरी फेज की माउल्स है मेरे पास में और प्रोटोजोन्स है विच कैन बी मूव टू सुडोपोडिया और सीलिया और फ्लैजेला ठीक है। अकॉर्डिंग टू लोकोमोशन इनको पांच सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इनकी हैबिटेट फूड हैबिट्स बहुत सारी क्या है अलग अलग है ठीक है, इनकी फूड हैबिट्स वगैरह सब क्या है मेरे पास में अलग अलग है, इनकी जो रेजिडेंशियल कह सकते हैं जैसे हाँ स्लाइम माउंड बोलते बेटा उनको स्लाइम माउंड ठीक है, SLIME और माउंड बात वही है, पूरा नाम है इसका स्लाइम माउंड को। ये होगा पूरा नाम यही है ना, तो कुछ ये पांच मेरे पास में मेजर क्लासेस हैं ठीक है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि कौन सी क्लास के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन ऑटोट्रोपिक है कौन हेटरोट्रोपिक है, लेकिन वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास का टाइम यही होता होगा ठीक है। आज की क्लास का समझ में आया क्या क्या पढ़ाया अपन ने तीनों को, सबको समझ में आया, नित्या नियति और सुमित और विशाल जो आज पढ़ाया वो समझ में आया, नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करना, नियति स्किप मत करना बेटा ठीक है, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही किया है आ जाएगा समझ में है ना, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ठीक है, गुड बाय। Thank you for joining.